मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य सरकार की कोई भूखा ना सोए थीम पर आयोजित हुई ये मैराथन। स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर से रवाना हुई जन जागरण रथ यात्रा। प्रदेश के 28 जिलों से होकर 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये रथ यात्रा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का किया गया आयोजन। 80% प्राप्त अंक वाले 10वीं और 12वीं के प्रथम 50-50 परीक्षार्थियों को राज्य सरकार देगी 1250 रुपये प्रतिमा छात्रवृत्ति। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्री शिक्षा शास्त्री और प्री शिक्षाचार्य के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर की 30 दिसंबर। शिक्षा शास्त्री की 8500 सीटों पर होंगे प्रवेश। चूरू के तारानगर ब्लॉक स्थित जागृति क्लस्टर फेडरेशन शांतियु को हैदराबाद में नाबार्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। तेलंगाना के पंचायती राज मंत्री ईडी राव ने सीएलएफ के आशा राठौड़, सुलोचना गोदारा और राजबाला रसोईया को दिया यह पुरस्कार। शाहपुरा के सामाजिक संस्थान द्वारा जयपुर ग्रामीण के कई विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित। संस्थान के अध्यक्ष रोहिताज भड़ाना ने की इसकी शुरुआत। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बूंदी में शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की शिरकत। युद्धक हथियारों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई जा रही है विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी। सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को किया जा रहा है प्रदर्शित। बांसवाड़ा के लोढ़ी काशी में किया जा रहा है 10 दिन में 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ। श्री रामचरितमानस मंडल के सानिध्य में आयोजित महानुष्ठान में 3000 साधक साधिकाएं समवेत स्वर में करेंगे हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद धौलपुर के तत्वावधान में सहेली संकल्प सीएफएल राजीविका समूह के साथ सैपो में आयोजित बैठक में मतदाता जागरूकता पर किया गया विचार विमर्श। मतदाता सूची में पंजीकरण करने संबंधी प्रक्रिया की दी गई जानकारी। झालावाड़ के झालरापाटन में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2023 के तहत दी जा रही है वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विविध जानकारियां। वोटर लिस्ट में 20 दिसंबर तक जुड़ सकेंगे नाम। शेखावाटी के ग्राम नई कोठी माधोगढ़ में जेडीएन एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल मैच में चिरानी की टीम ने नई कोठी की टीम को दी शिकस्त। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भाजपा नेता रहे मनीष गुर्जर। जयपुर में देशी विदेशी सैलानियों की हो रही है जमकर आवक। पर्यटन और होटल व्यवसायियों में देखा जा रहा है उत्साह। पर्यटक राजस्थान की संस्कृति, यहाँ का खान पान और रहन सहन को देखकर हो रहे हैं अभिभूत। भगवती आयुर्वेद और पंचकर्म रिसर्च सेंटर द्वारा एक दिवसीय सिंपोजियम स्पंदन 2022 का किया गया आयोजन। सिंपोजियम में गठिया, स्लिप डिस्क जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद, पंचकर्म, न्यूरोथेरेपी, योग और आहार विहार के महत्व पर विस्तार से दी गई जानकारी। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 7 दिवसीय जयरंगम थिएटर फेस्टिवल की हुई शुरुआत। एक एहसास थीम पर फेस्टिवल के पहले दिन संवाद कार्यक्रम के तहत आज सितारों से आगे जहां और भी है रंगमंच और चुनौतियां विषय पर संवाद किया गया आयोजित किया।